बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ सामईन, क्या हाल है आपका? उम्मीद करता हूँ आप सभी हज़रात खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, हमारी भी यही दुआ है कि आप यहीं सदा हंसते मुस्कुराते रहें और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करें। नाज़रीन, आज का जो हमारा उन्वान है, आज हम आपको बताएँगे कि सूरह नूह को रोज़ाना एक मरतबा पढ़ने से कौन सा फ़ायदा हासिल होता है, क्यों आपको क़ुरान पाक की इस सूरत यानी सूरह नूह को रोज़ाना एक मरतबा पढ़ना चाहिए। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अगर आप ये अमल करना चाह रहे हों तो आपको किसी से भी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, इजाज़त लिए बग़ैर आप ये अमल कर सकते हैं। नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं कि सूरह नूह को एक मरतबा रोज़ाना पढ़ने से कौन सा फ़ायदा हासिल होता है। नाज़रीन, जो शख्स भी क़ुरान पाक की सूरह नूह को रोज़ाना किसी भी टाइम कोई भी एक टाइम मुकर्रर कर लें और रोज़ाना उस वक्त इस सूरह को पढ़ा करें, कोई भी एक टाइम रोज़ाना की अपना मामूल बना लें, अगर आप रोज़ाना एक मरतबा सूरह नूह को आप जो टाइम मुकर्रर करें उस टाइम पे आपने पढ़ना है, तो इसको पढ़ने से एक तो आपके रिस्क में बेहद इजाफ़ा होगा, यानी इंशाअल्लाह ताला आपका रिस्क जो है वो रिस्क में बरकतें होंगी, रिस्क में बेहद इजाफ़ा हो जाएगा। और दूसरा ये है कि इस अमल को करने से यानी इस सूरत को रोज़ाना एक मरतबा पढ़ने से आप जो हैं हर रंजो गम से आप जो हैं महफूज रहेंगे और नेज़ जो भी रंजो गम आपको पहुँचेगा इंशाअल्लाह ताला उससे आपको निजात मिलेगी। नाज़रीन, ज़रूर इस अमल को कीजिएगा, रोज़ाना एक मरतबा इस सूरत सूरह नूह को आप पढ़ लिया करें, कोई एक टाइम मुकर्रर कर लें, चाहें तो फजर की नमाज़ के बाद रोज़ाना एक मरतबा इसे पढ़ लिया करें। और इंशाअल्लाह ताला ख़ास तौर पर अगर आप चाहते हैं कि आपके रिस्क में बेहद इजाफ़ा हो तो रोज़ाना आप एक मरतबा इस सूरत को लाजमी पढ़ें और पढ़ने के बाद अल्लाह पाक से दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपके रिस्क में बेहद इजाफ़ा हो जाएगा। इस अमल को ज़रूर कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।